वी विल क्रिएट समथिंग हियर। तो क्या क्या लाइट लाइट वगैरह जो है वो सब क्रिएट करेंगे। सो ये जो एम्प्टी एरिया पे है, वी विल क्रिएट लाइट फ्रॉम द विंडो। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं लाइटिंग के लिए स्पेशल। सो एक है इन्वायरमेंट मिक्सर और दूसरा है यहाँ पर एक और ऑप्शन जिसमें एक कहते हैं लाइट मिक्सर। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब पहले तो हमें लाइट मिक्स करना है। बहुत सारे लाइट्स हैं जो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट स्काई, ठीक है, डायरेक्शनल लाइट, क्रिएट एटमोस्फियर, क्रिएट वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड और क्रिएट हाइट फॉग। तो ये क्या हो गया, मेरा एक सीन प्रिपेयर हो गया। और ये जो सीन है इसको मैं फाइल में जाकर सेव करंट लेवल एज करूंगा। और जहां लास्ट टाइम लोगों ने मैप का एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे हम लोग नेम डालेंगे लैंडस्केप। ठीक है, ये लैंडस्केप का हमारा एक आ गया मैप। ठीक है, ये मैप जब भी अगर मैं बंद करूंगा, वापस से मैं ढूंढूंगा ना, तो मुझे यहां पर मिलेगा। ठीक है, यहां से हम ओपन कर सकते हैं सीन वन और लैंडस्केप। तो हमारा जो सीन वन अगर स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आ गया। ठीक है, लैंडस्केप टू है, इसमें आना है, इसमें आ गया। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, ये मैप्स, ये एक तरह का आपका सीन है। कभी भी ओपन करके कभी भी आप इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, तो लैंडस्केप पेंटिंग के लिए सीन मेरा रेडी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे मोड्स में। ठीक है, ये जो मोड्स है यहां पे मिलेगा लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शंस हैं अपने पास, बट क्या है, वी आर वर्किंग फॉर लैंडस्केप डिजाइन, सो वी विल हैव टू गेट दिस मोड। ठीक है ना, सो यहाँ पे जैसे मैंने इसका यहाँ पे ले लिया, आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको विजुलाइज होगा कि इतना काफी एरिया है। ठीक है, और ये एरिया पे ही हमको काम करनी है। देख सकते हो इसके कुछ ब्लॉक्स हैं, क्वार्ट्स हैं यहाँ पर काफी अलग अलग। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़े से कम ज्यादा मॉडिफाई करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना नीचे ऑप्शन है, देख रहे हो, इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इनेबल एडिट लेयर। ये आप याद रखना कि हमेशा जब भी लैंडस्केप आप बनाते हो तो कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी एड ऑन करनी होगी, तो मुझे ये वाली लेयर इनेबल रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो जस्ट इनेबल दिस, इनेबल एडिट लेयर यहां से। तो यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन आएगा जो लैंडस्केप के लिए मटेरियल आएगा। अगर आप मटेरियल्स वगैरह कुछ यहाँ पे रखे हैं तो मटेरियल भी यहाँ से आप ले पाओगे। तो मटेरियल अभी हमारे पास नहीं है, हम फैब लाइब्रेरी से डाउनलोड करेंगे और वहां से फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फिर मटेरियल यूज होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसका लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, बट ये क्या करता है, सेंटर में आती है, इसके लिए सब 0 0 है, स्केल वैल्यू 100 है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सेक्शन के साइज, और ये जो सेक्शन का साइज है 63 × 63 क्वार्ट्स। इसके अंदर जो क्वार्ट्स है ना, इसके अंदर आप 63 का क्वार्ट्स काउंट कर सकते हो एक ब्लॉक के अंदर, ये वाली जो ब्लॉक है। ठीक है, जब चेंज करोगे आप तो ये चेंज होगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा मीडियम साइज का हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 31 × 31 का ब्लॉक ले लिया, देखिए ऑटोमेटिकली छोटा हो गया साइज में और ये 31 का क्वार्ट्स आ गया। अब यहाँ पे बड़ा साइज भी है कि काफी बड़ा आपको लगता है कि इन्वायरमेंट सेट करनी है, तो आप बड़े क्वार्ट्स में यहाँ पे ले सकते हो। सबसे छोटा फिर 7 × 7 का क्वार्ट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैन्युअली भी करना रहेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन है, जैसे 63 का तो था, तो 1 × 1 का सिलेक्शन था, आप 2 × 2 का सिलेक्शन ले सकते हो, फिर से डबल हो जाएगा। ठीक है, सो ज्यादा डबल नहीं चाहिए, और नंबर ऑफ कंपोनेंट और ओवरऑल रेजोल्यूशन हम चेंज करके यहाँ पे ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इसको यहां से क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट किया तो आप देख सकते हो कि मेरा लैंडस्केप यहां पे रेडी हो चुका है पूरा, काफी बड़ा एरिया इसने ले चुका है, देखो। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आपको ना देखो ये ब्रश मिलेगा, ये जो ब्रश होता है जिसके जरिए आप स्कल्पटिंग कर सकते हो। स्कल्पटिंग मतलब पुश एंड पुल, कहीं पे थोड़ा सा माउंटेन की तरह दिखानी है, थोड़ा कहीं डाउन दिखानी है, ठीक है, कहीं पे फ्लैट दिखानी है, तो वो पेंटिंग के लिए हमें यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ब्रश है, तो ये जो ब्रश है आपके लेफ्ट साइड में देखो तीन चीजें मिलेगा, एक मैनेज, स्कल्प्ट, पेंट। हम लोग किस में काम कर रहे हैं, स्कल्प्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, वापस से न्यू टेरेन चाहिए तो यहाँ से उठा लेंगे,
बट हमें क्या करना है, अभी स्कर्पटिंग करनी है तो ये स्कर्प्ट वाले ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे डिफॉल्ट में आपको मिल जाएगा स्कर्प्ट। मतलब इसका ये होता है कि यहाँ पर जो है ब्रश आपने यूज किया है, सिंपल सर्कुलर ब्रश है, आप चेंज करना चाहोगे तो अल्फा ब्रश भी है, ठीक है, या पैटर्न ब्रश है, और यहाँ पे एंटायर लैंडस्केप कंपोनेंट वाली सेक्शन है। तो यहाँ पे हमको सिंपल, जैसे ये अगर हमने लिया है, हम चाहें कि इसको थोड़ा सा देखो पुश एंड पुल डायरेक्टली हम करें यहाँ पर, तो ये तुम्हारा माउंटेन या जो भी चीजें होगा इजीली आपको बना के देगा, ठीक है। तो ये लेकिन जो बन के दे रहा है आपका राउंड में जा रहा है, ठीक है। तो राउंडिंग में मैं आप देख सकते हो थोड़ा क्या है, नेचुरल नहीं लग रहा है, ये एक गेम वाली लैंडस्केप लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको है ना इरेज करता हूँ थोड़े एरिया पे, देखो इस तरह से इरेज भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है। लेकिन क्या है, ब्रश का साइज काफी बड़ा है, तो यहाँ पे टूल का स्ट्रेंथ, ब्रश का साइज और फॉल ऑफ, फॉल ऑफ होता है एज एरिया, आप देख रहे होंगे ब्रश के बीच में दो ब्रश के बीच में एक आउटर लाइन है, एक इनर लाइन है, और बीच में जो गैप है वो होता है आपका फॉल ऑफ, ठीक है। फॉल ऑफ एरिया कितना स्मूथ करना है एज को, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। बट कोई बात नहीं, पहले ब्रश का साइज आप देख सकते हो इस तरह से छोटा बड़ा साइज करके आप ट्राई कर सकते हो। प्लस यहां से स्ट्रेंथ है, डिफॉल्ट में 0.3 का होता है, आप इसको अगर 1 कर दिया तो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा। ये देखो इसको स्कल्प में करो, ये देखो काफी फास्ट और काफी इंटेंसिटी वाला वर्क ये कर रहा है, ठीक है। तो 0.3 वॉज ओके, 0.1 करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, फिर देखो धीरे 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 वर्क करेगा ये। तो ये होता है तुम्हारा लैंडस्केप के लिए सिंपल ब्रशेस का यूज, और यहाँ पे जो ब्रश हमने लिया है वो सिंपल वाली है, ठीक है। इसको रखते हैं 0.3, क्योंकि अभी हम लोग फिर से सेम वर्क करेंगे कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे ना अल्फा ब्रश हमें चाहिए, ठीक है। तो अल्फा ब्रश और दूसरा पैटर्न ब्रश दो अलग अलग आते हैं। पैटर्न ब्रश में कलर वाला आ सकता है, इसमें जो है अल्फा ब्रश ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये टेक्सचर है सिंपल क्वार्ट्स वाली, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से आपका जो पेंट होगा इस तरह से होगा, ये तो ब्रश है अल्फा वाली, तो इस तरह से हमको एक बना के दे रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हो ज्यादातर हमको क्वार्ट्स में डिजाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा मजेदार नहीं लग रहा है हमको, थोड़ा नेचुरल और रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका अल्फा ब्रश है, इसमें हम क्या करेंगे, और थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करने के बाद हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा ब्रश आपका देखो इस तरह से वर्क कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि अपना खुद का एक ब्रश ले आए, ठीक है ना। तो राइट क्लिक करेंगे यहां पर और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, और फोल्डर में रखेंगे अल्फा मैप, ठीक है, अंडरस्कोर अल्फा मैप, इसमें डबल क्लिक करनी है, हाइड मैप, इसी को फिलहाल ले आते हैं और यहां पे इसको रख देते हैं। इसको सेव करना जरूरी है, अगर सेव नहीं करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको ड्रैग करके आपको क्या करना है, यहां पे ड्रॉप कर देनी है, देखो ये ब्रश यहां पे रेडी हो गया, ठीक है। अब ये देखो ब्रश जो है हम अपने तरीके से भी पेंट कर सकते हैं जहां जहां पे हमको रिक्वायर्ड होगा। देखो इस तरह से थोड़ा ब्रश का साइज और बड़ा करते हैं, ये देखिए इस तरह से माउंटेन्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ब्रश लिया है वैसे ही ब्रश यहाँ पे बना के रेडी कर रहा है, ठीक है। देखो इस तरह से आप लोग अल्फा ब्रशेस है ना फोटोशॉप से बना सकते हो, और अलग अलग इसमें मिल जाता है लाइब्रेरी से, आप उठा सकते हो। मैं पहले चाहता हूँ इसको थोड़ा इरेज करें, ठीक है। इरेज करने के लिए हमें क्या करना है, और यहाँ पर जो है फिलहाल देखो ये इरेज कर दिया है, ताकि मेरा जो स्क्वायर वाली ब्रश थी ना थोड़ा अजीब लग रही थी, मैं उसको चेंज करके फिर से उसको नया करने वाला हूँ। तो ये मेरे कुछ लैंडस्केप बन रहा है इस तरह से। फिर से मैं जाऊंगा स्कल्प्ट, और यहाँ पे जो ब्रश लिया है उसका इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से फिर, ठीक है। जो हमने लिया था यहाँ पर देखो इंटेंसिटी, इसको करेंगे 0.5, तो फिर से हमारा थोड़ा सा ना थोड़ा देखो ज्यादा पुश एंड पुल होगा और वैल्यू काफी ज्यादा आएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लैंडस्केप पेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लगता है कि जहां पे थोड़ा डिटेल हमको करनी है हम कर सकते हैं, जहां पे डिटेल लगती है कि नहीं करनी है कोई बात नहीं, वहां पे उतने एरिया पे फ्लैट कर देंगे,
ठीक है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो मैं एक बंगलो बनाना चाहता हूँ और साइड साइड में टेरेंस होंगे, या फिर मेरा यहाँ पे कुछ एसेट होगा जहाँ पे इस तरह से चारों साइड से लैंडस्केप होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं पेंट करके इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंडस्केप का मैनुअल पेंटिंग। आप यहां से पैटर्न वाली भी ले सकते हो, पैटर्न ये भी चलेगा, लेकिन कलरफुल अगर आपके पास है तो भी आपको मिल जाएगा। कलरफुल मतलब यहाँ पे क्लिक करो, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, सर्च मारो। ठीक है, देखो इधर आ गया है, पर आप देख लो कोई भी अच्छा लग रहा है तो उठा लो। कलरफुल में ना मतलब कहा कि कोई भी हो सकता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, उसमें से कोई भी मैप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो ये ले लेता हूँ और इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। ये देखो, ये देखो, ये भी वर्क करेगा आपका। ठीक है, और ये रेंडम लग रहा है तो काफी बढ़िया लग रहा है, आप समझ लो। अगर यहाँ पे थोड़ा रेंडम नहीं रहेगा और ये सिंपल रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा देखने में। ठीक है, तो इसमें आप जिस तरह का लैंडस्केप आपको बनाना है आप ट्राई करो। यहाँ पे स्कल्प्ट फिर से मैं थोड़ा सा स्मूथ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हल्का हल्का देखो स्मूथ भी हो गया, अब ज्यादा हार्ड एजेस वाली नहीं दिख रही हमको, कहीं कहीं पे दिख रहा है ऐसा हल्का हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा फ्लैट करना है तो फिर आपको इरेज ही करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है फ्लैटन वाली, लेकिन ये फ्लैटन है ना ऊपर से करेगा फ्लैट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेता हूँ, ये देखो ऊपर इसको फ्लैट कर दिया, ऐसा लगेगा कि हाँ एक स्टेज हमने बना के दे दिया माउंटेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हो सकता है, तो ये चीजें करने के लिए आप ये सब यूज कर सकते हो। सिमिलरली रैंप भी होता है वर्क। ठीक है, रैंप के लिए कैसा है, देखो इस तरह से अपन सेट करके ले सकते हैं। ठीक है, जो एरिया पे आपको काम करनी है वो एरिया के लिए आप इसको रैंप बना सकते हो सेट। इसको हम लोग थोड़ा बाद में भी यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है रैंप का फॉल ऑफ रीसेट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, इसमें थोड़ा हम लोग रोड वगैरह का भी अलग से काम करेंगे, तो ये देख लो नॉइस। ठीक है, नॉइस थोड़ा अप एंड डाउन जो भी आपको करना रहेगा एकदम इजीली आप इसमें कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लैंडस्केप पेंटिंग, सबसे इजी वे आप यहां से कर सकते हो। मैं अभी एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो काफी नेचुरल और काफी रियलिस्टिक आप बना सकते हो, हाइट मैप। ठीक है, यूज करके। तो कैसे बनानी है लैंडस्केप, वापस जाएंगे इसको पहले मोड सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और मुझे लगता है इसको डिलीट करना चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं पहले। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर है ना, एक मटेरियल लाके पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा दिखेगा कैसा। ठीक है, तो मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। मैंने कुछ क्विक्सेल में रखा था, और क्विक्सेल में अगर नहीं मिलेगा तो मैंने क्या कहा था कि आपको यहाँ पे जाना है और फैब से लेना है, विंडोज ये फैब वाली है, यहाँ पे क्विक्सेल भी है, मार्केट प्लेस भी है, क्योंकि देख लेता हूँ मेरे पास कुछ अगर यहाँ पर है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर मेरे को फैब से जाके लेना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहा है कि लोकल में 41 कुछ है, चेक करते हैं। ये देखो मेरे पास कुछ तो है, बट ठीक है आई एम जस्ट टेकिंग राइट नाउ दिस, बट इसके बाद में हम लोग फैब में भी जाएंगे और वहां से कुछ मटेरियल ले आएंगे। ये मौसी मटेरियल्स आई एम टेकिंग एट हियर। ठीक है, और इसमें और भी काफी अलग अलग तो दिख रहे हैं बट चलेगा, इसको ऐड करते हैं। जैसे मैंने ऐड किया, नाउ यू कैन सी योर मटेरियल इज हियर। आप लैंडस्केप को सिलेक्ट करो ऐसे, एंड राइट साइड में देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक ऑप्शन, इसको कहेंगे लैंडस्केप मटेरियल। ठीक है, और इसके अंदर ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको ये करेगा, आप देख सकते हो मटेरियल तो आ गया है बट नॉट लुकिंग लाइक नेचुरल मटेरियल। ठीक है, एकदम मतलब मजा बिल्कुल नहीं आ रहा इसमें, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मटेरियल पे हमको जाके काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ना बड़े साइज में करना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा साइज है, टाइलिंग में कन्वर्ट हो गई है,
इसको डबल क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम हियर यू विल सी द ग्लोबल ऑप्शन, जस्ट सेलेक्ट द टाइलिंग, ठीक है। इनसाइड द टाइलिंग यू कैन एडजस्ट द वैल्यूज, ये वन है, इसको पॉइंट वन करता हूँ सो दैट आई थिंक सो दैट इट विल लुक बेटर, ठीक है। और इसको सेव कर सकते हैं इसे डायरेक्टली यहां से एंड देन क्लोज इट। देखो सो थोड़ा सा डिफरेंट अभी लग रहा है फिलहाल के लिए, और अच्छा करना है तो फिर से जाएंगे डबल क्लिक एंड इसको 0.01 इज ओके, और नहीं तो 0.5 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी देखने में थोड़ा सा यूनिक लग रहा है और डिफरेंट लग रहा है, लैंडस्केप हमारा थोड़ा सा फील दे रहा है, बट फिर भी हम लोग जब मटेरियल अलग अलग इसका बनाएंगे तो देखने में हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि कहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया है मेरा यहां तक के लिए, और इसको मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद सेम मटेरियल वी विल अप्लाई फॉर द हाइट मैप। मैं इसको एक नया फाइल बना लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, इतना बार बार हम मैप्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। और अब जो बनाएंगे वो हाइट मैप बनाएंगे हम, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, यहां पर बैक क्लिक करेंगे, यहां पर फिर से जाएंगे लैंडस्केप में, और दिस टाइम वी विल ऐड यू नो हाइट मैप इनसाइड दिस इंपोर्ट फाइल। इसको आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। पहले हम लोग क्रिएट न्यू कर रहे थे, इस टाइम हम लोग करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और ये जो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल है यहाँ पे हाइट मैप को ले सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, और जो मेरा हाइट मैप था मैंने शायद डी ड्राइव में रखा है, और यहां से लेंगे अनरियल प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर मेरा है हाइट मैप। देखो यहाँ पर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, आई विल गिव यू दिस हाइट मैप ऑल्सो सो दैट यू ऑल कैन ट्राई, ठीक है ना। मैं इसमें आपको दे दूंगा, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। पहले इसको लेना है और इसको यहाँ पे ओपन करना है, देखो इस तरह से, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा कैमरे का स्पीड में बढ़ा लेता हूं, ठीक है। देखो ये कैमरे का स्पीड थोड़ा और फास्ट करना चाहिए था, पर ठीक है, मेरा हाइट मैप बन रहा है ऑटोमेटिकली, मैं मैप के जरिए बना रहा हूं। ये हाइट मैप के जरिए ही आप इस तरह के मैप फिर बना सकते हो, और काफी नेचुरल और रियलिस्टिक भी लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ना मैंने यहाँ पे लोड करके रखा है, जो आपने देखा इसके पहले मैंने यूज किया था वो था मैप मैप इमेज अल्फा मैप, ये वाली सेम इसी को मैंने यूज किया है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये इसका अल्फा मैप होता है। इसमें जहाँ पे वाइट है और जहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक मतलब वो डाउन में रहेगा और जो वाइट है वो अप में जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से लैंडस्केप क्रिएट होती है। तो ये था हमारा मटेरियल और इसका, अभी इसको इसको क्या करना है, फिर से आपको नीचे जाकर देखो कुछ एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो यहाँ पे हम लोग उसमें किया था, बट ये क्या कर रहा है, ये मैप के जरिए क्रिएट कर रहा है, और पहले जो क्रिएट कर रहे थे विदाउट मैप था। तो जैसे मैंने इसको इम्पोर्ट किया, अरे देखो मेरा हाइट मैप रेडी हो गया, ये काफी बड़ा आ गया और अच्छा भी दिखने में लग रहा है, और साथ में फॉग वगैरह भी अपने को दिख रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी बढ़िया मैप लग रहा है। ठीक है, थोड़ा फॉग बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा कम करते हैं। कम करने के लिए वापस बैक जाना पड़ेगा, आप पहले मोड में जाओ, सिलेक्शन मोड में, और यहां पर मिलेगा अपने को हाइट एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ठीक है। थोड़ा सा फॉग का डेंसिटी हम कम करेंगे, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो अभी ठीक है, अभी थोड़ा तो दिख रहा है, ठीक है। फिर से अगर 0 डाल दिया तो बहुत कम हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या है, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए इसको हम लोग रख ही सकते हैं, ये ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा।
अब यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ना थोड़ा थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा हमें ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, स्कल्पटिंग करने के लिए सेम मोड पे जाना पड़ेगा जिसको कहते हैं लैंडस्केप बराबर। और यहाँ पे देखो स्मूथ वाली ऑप्शन है, और ये स्मूथ वाला जो ब्रश है यही वाला यूज करेंगे, सर्कुलर वाली। थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो ठीक है, 0.5 है, इसको हम लोग फिर से 3 कर देंगे, और ये जो साइज है थोड़ा से बड़ा कर देंगे। तो इसे क्या हो जाएगा कि आपका जो जहां जहां पे थोड़ा लगना चाहिए कि स्मूथ, वहां वहां पे इस तरह से आप पेंट करके थोड़ा क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैरेक्टर आपका जो है ना उसके प्रपोर्शन के हिसाब से वो बहुत काफी बड़ा बड़े साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वो कैरेक्टर वहां पे जंप नहीं कर पाएगा आपका, अगर आप गेम के लिए ट्राई कर रहे हो तो। इसके लिए स्मूथ करना ये चीज थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है, ये थोड़ा थोड़ा हमको करना है। थोड़ा अप डाउन रहेगा चलेगा, बट इतना हार्ड नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो ये सब थोड़ा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये मैप में इशू है, तो मैप में प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, हमको जैसा मैप मिलेगा वैसे मैप हम लोग यूज कर पाएंगे। इसको हाइट मैप कहेंगे, तुम लोग गूगल में सर्च मारोगे हाइट मैप तो भी बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री डाउनलोड वाले, तो आप ट्राई कर सकते हो उसमें, और नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका लैंडस्केप पेंट। ऊपर भी सेम, थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर एडजस्ट करनी है हल्का हल्का, यहां से आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मैप रेडी। इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे अपना कैरेक्टर को अगर डालू, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कैरेक्टर लेकर आता हूँ यहाँ से, लास्ट टाइम थर्ड पर्सन का मैंने मैप लिया था और उसमें से अपना कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को यहाँ पे रख देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा कैरेक्टर के व्यू से कितना बड़ा है, ठीक है, ये कैरेक्टर के व्यू से मतलब यही कैरेक्टर मेरा वॉक करने वाला है, चलने वाला है, तो इसके लिए मैंने ये स्मूथ किया ताकि यहाँ पे वो चढ़ सके और उसमें क्लाइंब कर सके, नहीं तो फिर क्या है कि वो वहां पे रुक जाएगा। तो ये हाइट मैप इस तरह से बनता है, ये हाइट मैप आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, गूगल में आप सर्च कर सकते हो और इस तरह के आप बना सकते हो लैंडस्केप। इसमें भी सेम मटेरियल पहले अप्लाई करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। सो सिलेक्शन मोड में ही हम लोग, और यहां पे क्लिक करने के बाद वापस जाना है राइट साइड में, यहाँ पे मिल जाएगा लैंडस्केप मटेरियल, और सेम मटेरियल ऐड करेंगे जो हम लोगों ने मेगा स्कैन से लिया था। देखो ये सरफेस, इसको ड्रैग करके सिर्फ ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर तो भी मेरा मटेरियल आ जाएगा।